इंदौर नगर निगम में हुए घोटाले के विरोध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहला बड़ा आंदोलन किया। कांग्रेस दिग्गजों की मौजूदगी में हो रहे इस आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की माकूल इंतजाम किए हैं। निगम मुख्यालय की तरफ बढ़ते कांग्रेसियों को खदेड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता जख्मी भी हुई। देखिए एमपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आज इंदौर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के माकूल इंतजाम हैं और पूरी तरह से विपक्ष के इस प्रदर्शन पर कहा जा सकता है मध्य प्रदेश की सरकार की पैनी निगाहें टिकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है डबल लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है और कुछ ही देर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे हैं, आप देख सकते हैं पुलिस की सख्ती का आलम किस कदर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ये सीधा नजारा है जिसे आप देख पा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये उत्साहित नजर आ रहे हैं और आप देखिए किस कदर यहाँ पर ये तोड़फोड़ को आमदा है। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हल्ला यहाँ पर बोला है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर में ये पहला आंदोलन है जो कि विपक्ष ने खड़ा किया है। देखने वाली बात यह होगी कि लगातार पुलिस के माकूल सुरक्षा इंतजामों के बीच में किस तरह से जो तमाम नेता हैं वो अपनी सियासी ऊर्जा जो है सरकार के कानों तक पहुंचा पाते हैं और इंदौर नगर निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार और घोटाले के तमाम संगीन आरोपों के बीच में किस कदर ये जो नज़ारे हैं, क्या वाकई में चुनाव से ठीक पहले कहा जाए इस तरह के नज़ारे आम होते हैं, लेकिन ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पहला ऐसा बड़ा आंदोलन है जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज एकजुट होकर एक मंच पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।